हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं नर्सेज ऑफ यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, अप्रोक्स 200 क्वेश्चन है, वो ओनली 20 मिनट के अंदर अपन रिवाइज करेंगे। तो वीडियो को सोल्यूशन तक देखते रहना, इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अभी जुड़ सकें अपने साथ। अभी ये वीडियो है प्रीमायर चल रहा है, तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जुड़ सकें। तो अभी इसको जल्दी से जल्दी शेयर करें, जिससे कि उनके पास भी ये प्रीमायर वीडियो है वो पहुँच पाए। तो अपन इसके अंदर ओनली रिवाइज करेंगे, और डिटेल के अंदर मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन है, सारे इमेज है वो बना चुका हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना है तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, आइडेंटिफाई द टेक्निक। तो ये टेक्निक कौन सी है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हेमलिच मैन्यूवर। हेमलिच मैन्यूवर या एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर, ये टेक्निक होती है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई मशीन एंड इट्स यूज। तो ये मशीन है, ऑटोमेटिक सीपीआर मशीन है, जो कि सीपीआर के अंदर काम आती है। नेक्स्ट है लेरेंगोस्कोप, और जो इसके ब्लेड हैं उनके जो अलग अलग टाइप हैं ब्लेड्स के, उनके नाम हैं। नंबर एक पे जो ब्लेड है ये है मैकिंटोस ब्लेड, नंबर दो पे है ये है मिलर ब्लेड, और नंबर जो थ्री पे है ये है विस्कोसिन ब्लेड। BHU के अंदर जो एग्ज़ाम आया था वो इस ब्लेड से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है वीडियो लेरेंगोस्कोप, ये सभी इमेज हैं, मैं डिटेल से ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं एक साथ इन सभी को कंबाइन करके मर्ज करके आपको, जैसे कि रिवाइज हो जाए, टाइम कम है इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। ये है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। यूज करने के लिए सबसे पहले AED मशीन को है वो अपन को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद में जो ये इलेक्ट्रिक प्रोब होते हैं उनको अपन अटैच कर देंगे। एक राइट साइड में होगा जो अपर निप्पल है, राइट निप्पल उसके अपर में, और नेक्स्ट है वो हो जाएगा लेफ्ट साइड के अंदर, और उसके बाद में AED जो एनालाइज है उसको कार्डियक रिदम स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद में अपन जो शॉक बटन है उसको प्रेस करेंगे, जिससे कि ऑटोमेटिक जो शॉक है वो पेशेंट को लग जाएगा। नेक्स्ट है डिफिब्रिलेटर। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर का ये है क्योंकि इसका जो अपर जो पार्ट है वो वाइट है और जो लोअर पार्ट है वो है ब्लैक, इसके अंदर है वो ऑक्सीजन फिल की जाती है। अब अपन टाइप देखें, अलग अलग है। ऑक्सीजन का होता है वाइट सिलेंडर, वाइट शोल्डर और ब्लैक बॉडी, जो अपन अभी इसका जो डायग्राम है वो देखा था। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड लाइट ब्लू, मेडिकल एयर ब्लैक एंड वाइट, सक्शन येल्लो, नाइट्रोजन ब्लैक, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे, और हीलियम के लिए ब्राउन कलर के जो सिलेंडर्स हैं वो कलर कोडिंग यूज की जाती है। नेक्स्ट है एम्बू बैग विद रिजर्वियर, जो साथ में रिजर्वियर लगा हुआ है तो एम्बू बैग विद रिजर्वियर हो गया, अगर रिजर्वियर नहीं होता तो ओनली फॉर एम्बू बैग। अब अपन बात करेंगे एयरवे ट्यूब्स की। तो ये है गुडल्स एयरवे, इनको अलग अलग जो कलर कोडिंग है उसके अकॉर्डिंग जानते हैं, स्पेशल वीडियो मैंने बना रखा है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब एक होती है अनकफ और एक होती है कफ, तो यहाँ पर जो कफ दिया हुआ है इसलिए ये हो गई कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब। एम्स 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनकफ एंडोट्रेकियल ट्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नेजोफेरेंजियल एयरवे। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन लेरेंजियल मास एयरवे। एम्स और जिपमेर दोनों के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। नेक्स्ट है कॉम्बी ट्यूब और डबल ल्यूमन एयरवे ट्यूब। नेक्स्ट है कफ मैनोमीटर, जो अपन
ईटी ट्यूब और लेरेंजियल मास एयरवे इंसर्ट करने के बाद में अपन जो एयर जो पुश करते हैं इस कफ को इन्फ्लेट करने के लिए, तो जो ये एयर का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को मापने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। अब अपन बात करेंगे फीडिंग स्ट्रोक की, तो ये जो है ये है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन ट्यूब। नेक्स्ट है राइस ट्यूब, राइस ट्यूब को मेजर करने का है टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब से जिफर्ड प्रोसेस। नेक्स्ट है गैस्ट्रोटोमी ट्यूब, एनजे फीडिंग ट्यूब, संगस टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। अब इसमें भी तीन टाइप की होती हैं अलग अलग। नंबर एक है लिंटन, नंबर दो है ब्लैकमोर और नंबर थ्री है ये मिनेसोटा। अब अपन बात करेंगे ट्रांसफ्यूजन सेट की, आईवी कैनुला या फिर वेनफ्लो या फिर इंट्रिकेट इनको बोलते हैं, और ये अलग अलग जो कलर कोडिंग होता है उसके अकॉर्डिंग जाने जाते हैं। सेपरेट वीडियो मैंने सभी जो जितनी भी इमेज है लगभग उन सभी का बना रखा है, लेकिन वो डिटेल से हैं और इसके अंदर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, तो ये अप्रोक्स 20 मिनट के अंदर 200 इमेज है वो आपकी कवर हो जाएंगे। ये है बटरफ्लाई या फिर स्काल्वेन कैनुला। आईवी सेट, अगर यहाँ पर आपको फिल्ट्रेशन दिखाई देता तो ये हो जाता बीटी सेट। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो यहाँ पर बीटी सेट है जिसके अंदर फिल्ट्रेशन के लिए लगी हुई है। नेक्स्ट है टी ट्यूब, नेक्स्ट है पिगटेल कैथेटर। पिगटेल कैथेटर के अंदर जो एंड है ये राउंड होता है लाइक पिगटेल की तरह, इसलिए इसका नाम है पिगटेल कैथेटर। नेक्स्ट है फॉलिस कैथेटर, अगर इसी के अंदर एक ल्यूमन और होता यहाँ पे तो ये हो जाता थ्री वे फॉलिस कैथेटर। नेक्स्ट है सिलिकॉन कैथेटर, जो अभी बताया था थ्री वे फॉलिस कैथेटर। एसपीसी कैथेटर, नेक्स्ट है रबर कैथेटर, नेक्स्ट है ईसीजी मशीन या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अभी अपन बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उनके बारे में। प्रेजेंटेशन है फ्रैंक ब्रिज प्रेजेंटेशन, कंप्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन और फुटलिंग प्रेजेंटेशन, जहाँ पर इसमें फुट है वो आउटर साइड में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है प्लेसेंटल इश्यूज, नॉर्मल प्लेसेंटा, प्लेसेंटा अब्रप्टियो और प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें तीन टाइप दिए हुए, नॉर्मल प्लेसेंटा, प्लेसेंटा अब्रप्टियो और प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है लियोपोल्ड मैन्यूवर, ये हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। फर्स्ट है फंडल, सेकंड है लेटरल या फिर अम्बिलिकल ग्रिप, थर्ड है पावली ग्रिप और फोर्थ है पैल्विक ग्रिप। कुछ डायग्राम है सिम्स स्पेकुला, कस्को स्पेकुलम, वाल्सेलम फोर्सेप, एलिस फोर्सेप एम दिल्ली के अंदर आ चुका है, हीमोस्टेटिक कोचर फोर्सेप, स्ट्रेट सीजर एम्स दिल्ली में आ चुकी है, यूट्रेन साउंड, हैगर डायलेटर एम्स दिल्ली में आ चुका है, डोइंस रिट्रैक्टर, स्पंज होल्डर एम्स दिल्ली में आ चुका है, ओवम फोर्सेप, जिपमेर स्किल टेस्ट के अंदर 2019 के अंदर ये पूछा गया था, एपिजोटमी सीजर जिपमेर स्किल टेस्ट के अंदर पूछी गई है। एपिजोटमी के टाइप हैं, टाइप होते हैं फोर, मीडियन, मीडियो लेटरल, जेसेप और लेटरल, ये चार प्रकार के इसके टाइप होते हैं एपिजोटमी के। नेक्स्ट है यूट्राइन क्यूरेटे,
नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिकल फोरसेप, अलग अलग इसके टाइप होते हैं। नेक्स्ट है वेंटोस सक्शन कप। नेक्स्ट है म्यूकस सक्कर, एम्स ट्यूटर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था। नेक्स्ट है कोड क्लैंप, एम्स दिल्ली में आ चुका है। पिनार्ड स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है फीटल मॉनिटर। दो कंडीशन है बच्चे के अंदर, कैपुट सक्सीडेनम और सिफेलो हिमेटोमा, ड्यूरिंग बर्थ इंजरी होती है ये। नेक्स्ट है इन्फेंटोमीटर, एम्स दिल्ली के अंदर आ चुका है। नेक्स्ट है केएमसी कंगारू मदर केयर। नेक्स्ट है साकीर टेप, ये जो मेजर की जाती है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस को। नेक्स्ट है स्किन फोल्ड थिकनेस को। नेक्स्ट है वैक्सीन कैरियर। नेक्स्ट है ये हाउ टू रीड वीवीएम। वीवीएम के अंदर आउटर और इनर, अगर इनर जो पार्ट है अगर लाइटर है और आउटर है वो डार्क है तो इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर थोड़ा सा डार्क हो गया इनर और आउटर है वो मोर डार्क है तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों इक्वल हो गए तो इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर इनर है वो आउटर से भी ज़्यादा डार्क हो गया तो भी इसको यूज़ नहीं कर सकते। इन दोनों कंडीशन के अंदर अपन क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। दोनों कंडीशन है इसके अंदर अपन यूज़ करेंगे। एम्स दिल्ली के अंदर पूछा गया है। ये डिफरेंट टाइप की कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं, फीमेल कॉन्डोम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसके अंदर माला डी माला एन आती है, हॉर्मोनल रिंग है जो कि सर्वाइकल। नेक्स्ट है कॉपर टी, इसमें 380 है जो कि मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन की होती है 10 ईयर के लिए, क्वेश्चन है बीएचयू के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है, सल्ज स्टरलाई है, इम्प्लांट है, कोइटस इंटरप्शन है, कैलेंडर रिदम मेथड है, वेजाइनल डच है और डायफ्राम कैप है, ये सभी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज हैं। अभी अपन देखते हैं वेजाइनल रिंग्स। नेक्स्ट है फीमेल कॉन्डम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्लूकोमीटर की, जो कि नेक्स्ट है ट्यूनिंग फोक, वेबर एंड रिने टेस्ट। नेक्स्ट है स्नेलन चार्ट, थर्मोमीटर, नी हैमर और परकसन हैमर, मास्केट ऑफ फोरसेप, आर्टरी फोरसेप, एम दिल्ली के अंदर आ चुका है, नेजल स्पेकुला, टंग डिप्रेसर, ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑटोस्कोप, डेविएटरी रिट्रैक्टर, प्रोक्टोस्कोप, टोवल क्लिप, एम्स दिल्ली में आ चुकी है, थंब फोरसेप, बीपी हैंडल और स्कालपेल। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो आया था जो ब्लेड है उसके नंबरिंग के ऊपर, ट्रेकियल डायलेटर, हुक रिट्रैक्टर, बैबकॉक्स फोरसेप, एम्स दिल्ली के अंदर आ चुकी है, वाटर सील ड्रेनेज, कोटरी पेंसिल, ये है मोनो, अगर किसी में डबल हो तो वो होती है डाई, मेमोग्राफी, इशारा चार्ट टू डिटेक्ट कलर ब्लाइंडनेस, ईसीटी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कन्वल्सिव थेरेपी।
डॉट्स डॉट्स का जो थीम है वो है पूरा कोर्स पक्का इलाज। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, यहाँ पर जो आई का डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट है एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट है JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जो कि हर महीने के 9 तारीख को बनाया जाता है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ सेव द गर्ल चाइल्ड, और एक आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिंबल। नेक्स्ट है नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है WHO, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, एम्स दिल्ली 2020, कंबाइंड एग्जाम में आया था। नेक्स्ट है यूनिसेफ, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। नेक्स्ट है आधार माई प्राइड जिपमेर 2019 के अंदर आ चुका है ये भी। तो फ्रेंड्स ये सभी इमेजें इस वीडियो के अंदर हो चुकी हैं। डिटेल से अगर आप देखना चाहें तो डिटेल से मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और हमारी स्ट्रेंथ को और मजबूत बनाते रहना। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू।